हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा हो। मैंने एक्सरसाइज 5.14 करवाया था, जिसमें मैंने आपको स्टोरी सम समझाया था कि कैसे स्टोरी सम्स को पढ़ना है, कैसे उसको पढ़ के स्टेटमेंट बनाना है और स्टेटमेंट बना करके उनका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। इंटायर वीडियोस आपको मिल जाएगा। जिन भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है, उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर रही हूँ। देख रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को कैसे हम किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं, राइट? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिविजन्स ऑफ अ होल, डिविजन्स ऑफ डेसिमल्स, किसी भी डेसिमल्स को कैसे हम डिवाइड करेंगे, राइट? बाय द होल नंबर्स, किसी होल नंबर से, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। डिवाइड एज यू वुड डिवाइड टू होल नंबर। पहले हमें क्या करना है, पॉइंट को फॉरगेट कर जाना और उसे डिवाइड कर देना, राइट? तो वही हमें करना है, पॉइंट को अलग कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे, है ना, इग्नोर कर देंगे फिर डिवाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप में पुट द डेसिमल पॉइंट इन द क्वेसेंट करेक्टली ओवर द डेसिमल पॉइंट इज द डिविजन। फिर इसके बाद में डिविजन में क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। कैसे लगाना, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या है, 12.4 को 8 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर, आप जो आपका डिवाइडेंट क्वेसेंट आएगा वो 155 आएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टू डिजिट है तो टू डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये आपको करने है, ठीक है? यहाँ पे देखो 1.02 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 255 आ रहा है, राइट? तो 255 आ रहा है तो हमें क्या करना है, 10 डिजिट आ रहा है तो 10 डिजिट के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। बस यही चीजें हमें सीखना है। तो आप इस डिवाइड को आप देख ही पा रहे होंगे, ये तो समझ ही गए होंगे, बट मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर करके समझाऊंगा, है ना। देखिए एक्सरसाइज भी इसी के बेस पे है। पहले मैं आपको पता करना है पुट द डेसिमल पॉइंट एट द करेक्ट प्लेस इन द गिवन क्वेसेंट। तो इससे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझा रहा है कि पहले आपको पॉइंट लगाना सीखना है, फिर उसके बाद डिवाइड सीखना है। तो पहले आपको पॉइंट लगाना सीखना पड़ेगा। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि क्या है, 13.5 में अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं ना तो 27 आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगेगा, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, यानी यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे डेसिमल्स पॉइंट आ जाएगा, 2.7 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में देखो, पॉइंट को अगर मैं फॉरगेट कर जाता हूँ तो 153 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है, 51 आ रहा है, क्लियर? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो टू डिजिट के बाद है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा सकते हैं, है ना, 0.51 जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर पॉइंट को मैं भूल जाऊं तो क्या हो जाएगा, 2140, तो इसको अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो 302 आ रहा है, ठीक है। अब अगर हमें पॉइंट लगाएं तो टू डिजिट के बाद है तो यहाँ पे टू डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए तो 3.02 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 0.24 है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 0006 आ रहा है, तो दो डिजिट है तो दो डिजिट के पॉइंट आपको लगाना है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो अब आपने देखा कि क्वेसेंट में कैसे हमें पॉइंट लगाना है, यानी क्वेसेंट में कैसे डेसिमल पॉइंट लगाना है करेक्ट प्लेसेस पे, ये आपने सीखा। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड द फॉलोइंग। अब आपको डिवाइड करके क्वेसेंट भी निकालना है और क्वेश्चन निकाल करके आपको पॉइंट भी लगाना है, राइट? तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5.8 में 2 से डिवाइड करोगे तो पहले क्वेश्चन बताना पड़ेगा फिर उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे स्पेस तो है नहीं बच्चों, तो मैंने नोटबुक पे लिखा है जिससे कि मैं आपको डिवाइड करके एक्चुअली में समझा पाऊं। तो अब यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट को इग्नोर कर दिया, इसे डिवाइड करेंगे, है ना, तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 4, और 5 में से 4 जाएगा 1, अब ये 8 आ जाएगा, तो 2 9 जा कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 18। अब ये पे देखो क्या एग्जैक्टली कट गया, तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो कितना आया, 29 आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डेसिमल के बाद क्या एक पॉइंट एक डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.9 आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी आप इसे डिवाइड करोगे ना तो 2.9 जो है आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर हुआ?
अच्छा, अब आप बी सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 435.6 है, इसे क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब 6 से डिवाइड करेंगे तो पहले हम पॉइंट को भूल जाएंगे, है ना, जिससे कि आसानी से हम डिवाइड कर पाएंगे। तो 6 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4, 3, 5 और 6। इसको पहले डिवाइड करके क्वेश्चन निकालते हैं। तो देखो 7×5=35, 7×6=42, ठीक है, 7 आ जाएगा तो 42 लगा दो, 42 आ गया। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 4 कैंसिल्स, 5 आ जाएगा, तो 6×2=12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अब ये आ जाएगा 3, अब यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया, 6, तो इससे करेंगे तो 6×6=36, तो ये कैंसिल्स आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन आया वो कितना आया, 726 आया। क्या आया, 726 आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है ना, पॉइंट लगाना बहुत जरूरी है। तो देखो पहले बार में पॉइंट नहीं आया, दूसरे बार में पॉइंट नहीं है, तो उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे। तो जो फाइनली आपका आंसर आया 72.60 जो है आपका आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो पहले बार में भी ये नहीं आया ना डेसिमल्स, दूसरे बार में डेसिमल्स, तीसरे बार में आया डेसिमल प्लेसेस, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 डिजिट बाद और यहाँ पे एक जीरो लगा दिए, ठीक है। तो 72.6 जो है आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट में कह रहा है 82.4 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो चलिए पहले मैं पॉइंट को भूल जाता हूँ, है ना, जिससे कि आपको डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी ऐसे ही चीजें को समझना है, ठीक है। तो देखो 4×2=8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 8×8 कैंसिल, अब यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखो 2 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा और एक डिजिट और लोगे, ये हो जाएगा, तो 8×3=24, है ना, 8 आ जाएगा, 8 से कट जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखो हमें जो क्वेश्चन आया वो कितना आया, 208 आया। क्वेश्चन कितना आया, 208 × 8=32, 6 आएगा ना बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा, 6×6=26, मतलब 6×6=24 होता है ना, तो 6 आ जाएगा, 206 है, ओके। तो 206 को आप क्या करेंगे, 206 आया, अब इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, क्वेश्चन तो निकाल लिया, तो क्वेश्चन में निकालने के बाद देखो पहले में भी नहीं आया, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में आया, है ना, पहला में भी नहीं आया, दूसरा तो हमने जीरो लगा दिया, तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 20.6 क्या आ जाएगा, 6 आएगा, क्या होगा, 20.6 जो है, अगर आप 82.4 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 20.6 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए वही सेम प्रोसेस करते चलना है आपको, 3 से डिवाइड करेंगे 1011, ठीक है। अब आप करो यहाँ पे 3×3=9 आ जाएगा, ठीक है, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 और यहाँ आ जाएगा 1, फिर वही लगेगा 3×3=9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा, तो 7×3=21 आ रहा है, तो 21 से कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, 337 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, क्वेश्चन कितना आया, 335, ठीक है। तो देखो पहले डिजिट में भी पॉइंट नहीं आया, दूसरे डिजिट में 3 डिजिट के बाद, तो आपका फाइनली जो इसका आंसर बनेगा 33.7, आप चाहो तो 0 लगा दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 37.70, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। 1.33 है और इसको आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। पहले हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, कर लिया हमने, अब डिवाइड करो तो 7 ही लग जाएगा, 7×2=14 तो बड़ा हो जाएगा, अच्छा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 9×7=63, ठीक है, तो यहाँ पे 63 आ गया, कैंसिल हो गया, तो 19 आया, ठीक है। अब पॉइंट लगाना है, 1 डिजिट के बाद लगा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 1.9 जो है इसका आंसर आ जाएगा, अच्छा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, पहले डिजिट है ना बच्चों, तो ये 1.9 गलत हो जाएगा, है ना, आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा, 0.19 आएगा, है ना, क्या आएगा इसका आंसर,
0.19 जो है ये आपका आंसर आएगा। असर अगर आप ऐसे लगाते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो पहले में ही तो नहीं लग रहा है ना, तो जीरो तो हमें लगाना ही पड़ा ना, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। तो 0.19 जो है इसका फाइनल आंसर होगा, अगर ये लिखते हैं तो गलत आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, 18.09 है, 18.09 है, इसको आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है ना। तो क्या करेंगे हम, 9 लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, 18 पॉइंट को हम भूल जाते हैं ना, तो इस हिसाब से लिख दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 19 से इसको 9 से डिवाइड करो, तो 9 टू जा 18 हो जाएगा, तो 2 पहले लिख दीजिए, ठीक है, कैंसल्स, ये 0 आ जाएगा और ये 9, तो यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। यानी हम जो डिवाइड किए ना 18.09 को 9 से, तो 201 आया, कितना आया, 201 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसे पॉइंट बैठाना है, राइट, तो पॉइंट बैठाएंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखो टू डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं हम लोग, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 20.10 आप लिख सकते हो, या 20.1 भी आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि किसी भी डेसिमल्स नंबर को कैसे हम डिवाइड करते हैं। इसमें दीजिए 6 तक अभी हमने किया है, 7 और 8 और भी बचा है, तो इनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 7 में क्या दे रखा है, 2.72 को क्या करना है, 8 से आपको डिवाइड करना है ना। तो देखो इसको वही तरह सेम है प्रोसेस, अरेंज कर लीजिए, तो 272 लिख दिया हमने बच्चों, अब क्या करना है डिवाइड कर दो, तो आंतरिक 24 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये 3, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है, ये कट कैंसिल हो गया, हमें कितना आया क्वेश्चन, 34 आ गया है ना। तो 34 को हमें क्या करना है, डेसिमल्स में लगाना है। तो देखो पहला वैल्यू देखो, ये 2 है और ये 8 है, तो ये तो लगेगा नहीं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी जो पॉइंट करेंगे तो 0.34 जो है ये आपका आंसर होगा। यानी आप ऐसे समझिए कि 2.72 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे ना, तो 0.34 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इनको और भी तरीके है ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, देखो देखो 2.72 है, डिवाइड है, तो इसको 1/8 लिखते हैं हम लोग, और ये पॉइंट है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तब इससे इसको अगर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 34 आ गया, और 34 को अगर आप 100 से करोगे तो क्या होगा, 0.34 आएगा। तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो, कई मेथड है बच्चों सॉल्व करने का, जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कीजिए, लेकिन कोई भी मेथड अपनाओ, आंसर जो है ना बच्चों सेम ही आता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखिए 64.05, इसको हमें 15 से डिवाइड करना है, तो चलिए पहले हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो 15 चौक 60, ठीक है, तो हमने 60 लगा दिया, अब आ गया 4 कैंसिल 0, 15 दुनी 30 आ जाएगा, 15 है ना, 30 आ गया, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 ये हो गया, 15 सत्ते 105 है ना, तो ये हमें कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या हो गया, क्वेश्चन पता चल गया है ना, क्वेश्चन कितना आया, 427 आया, क्या आया, 427 आया। अब हमें क्या करना है, डेसिमल्स में लगाना है ना, तो डेसिमल्स में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो डिजिट है तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, 40 क्या हो जाएगा, 4.27 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 टाइम्स में ही हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं ना, तो 4.27 जो है आपका रिजल्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप 64.05 को 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 4.27 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये क्या था, इस पार्ट में, बी पार्ट में आपको 8 क्वेश्चन दे रखे थे, तो 80 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए अगला पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में कह रहा है डिवाइड अंटिल यू गेट रिमाइंडर 0, राइट, यू गेट रिमाइंडर 0, आपको क्या करना है, रिमाइंडर 0 लाना, मतलब एग्जैक्टली कट जाएगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। फर्स्ट में क्या रहा है, 32.4 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, राइट, तो वही सेम प्रोसेस आप चाहे तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा रिमाइंडर 0, है ना, रिमाइंडर 0 को आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। देखो क्या है, 32.4 है, राइट, 32.4 को क्या करेंगे आप, 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए।
तो हमें क्या करना है, पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं 32 पॉइंट क्या है 5 है, ठीक है हमने लिख दिया। अब इसे डिवाइड करना है, तो देखो इसे करोगे तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा, ठीक है हमने कर दिया यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा और ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अच्छा तो 32.4 है ना बच्चों, तो यहाँ पे 4 लिखना है ना, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे 5 × 4 = 20 आ जाएगा, तो 4 लिख देंगे हम, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 × 4 = 20, यहाँ पे 4। अब ये देखो 4 क्या हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया जी, ये क्या हो गया रिमाइंडर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ठीक है तो ये हो जाएगा 40, तो 40 8 × 5 = 40 होता है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो 4 है ना ये हमारा रिमाइंडर आया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.48 जो है आपका फाइनली आंसर आएगा, ठीक है ये आपको आंसर आ गया, ठीक है। और रिमाइंडर पॉइंट क्या हो गया, आप चाहो तो रिमाइंडर आर लिख दे, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में, और रिमाइंडर कितना है इसमें 4 आ रहा है ना, रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। और ये आपका आंसर है 6.48 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से हमें क्या करना है 2.1 में हमें डिवाइड कर लेना है, पॉइंट को मैं पहले भूल जाता हूँ, ठीक है ना। तो चलो इसको मैं भूल गया, तो इसको करोगे तो क्या होगा 5 × 4 = 20, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको ये कर लो तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 क्या हो गया रिमाइंडर आ गया, एक बच गया ना, तो एक रिमाइंडर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 लगाएंगे, ठीक है पॉइंट बैठा करके, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 × 2 = 2 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, अब ये फिर क्या हो गया 2, और फिर एक 0 लगाएंगे, फिर 2 कट जाएगा 20 से, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो रिमाइंडर आपको कितना आ गया, रिमाइंडर भी तो कह रहा था ना 0, तो रिमाइंडर 1 आ गया हमारा, रिमाइंडर मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया 525 आया, बट हमें इसको डेसिमल में भी तो दिखाना है ना, तो डेसिमल्स में दिखाएंगे ना, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 0.525 डेसिमल्स में बन जाएगा, क्योंकि पहला ही पॉइंट डेसिमल्स में बना है, तो 0.525 जो है ये आपका आंसर आएगा, और जो रिमाइंडर पार्ट है ना वो 1 इस तरीके से आपका लिख देना है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए 9.03 को 6 से आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले डिवाइड कर लेते हैं, 903 है, डिवाइड करो तो पहले 1 टाइम में लग जाएगा, तो यहाँ पे 6 लगाइए, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये आ जाएगा 30, तो 6 × 5 = 30 5 आ जाएगा, है ना, 6 × 5 = 30, ठीक है 30 आ गया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये आ जाएगा 3, तो ये 3 क्या बना आपका रिमाइंडर बन गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो 6 × 5 = 30 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यानी हमने क्या देखा, अब हमें क्या करना है पॉइंट भी तो लगाना है ना, तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यानी फाइनली अगर आप इसको देख रहे हो तो 1.505 जो है ये आपका आंसर बन के आ जाएगा, ठीक है। और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 3 रिमाइंडर आ रहा है ना, 3 क्या होगा आपका रिमाइंडर आ जाएगा, है ना, 1.505 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, 14.1 को 2 से डिवाइड करना है, राइट। तो इसको तो हमें पता है सिंपल, अगर आप डिवाइड करते हो तो आप ऐसे कर लीजिए 14.1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो 7 से लग जाएगा आपका, 7 × 2 = 40, क्लियर। फिर रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, अब आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, है ना, तो 10 आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये जो वैल्यूज बना हमारा वो क्या हो गया 0 आ गया ना, और यहाँ पे 5, तो इसको अगर आप करोगे तो 7 पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा 05 जो है आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 7.05 क्या होगा आंसर आ जाएगा। और अगर रिमाइंडर की बात करें बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, आप चाहो तो 01 लिख सकते हो या फिर 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ना है, डेसिमल के बाद वाले पॉइंट जो है ये आप इस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन सकता है, 01 लिख सकते हो, जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा है ना, तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 0.30
03 भी लिख सकते हैं रिमाइंडर, जैसे डेसिमल के बाद वाला तो वो रिमाइंडर ही बन जाता है ना, तो आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें और भी पार्ट है अगला। ये तो 4 पार्ट थे, टोटल कितने पार्ट है इसमें, 8 पार्ट है, राइट। तो सभी पार्ट को बच्चों में एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे स्कोर करो। क्लियर। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 16.2 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप इनको 8 से डिवाइड करें, 16.2, ठीक है, तो 8 × 2 = 16 आ गया, तो ये कैंसिल सॉस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट गया, अब क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 8, अब यहाँ पे देखो कटेगा नहीं, 8 × 2 = 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। अच्छा, 8 × 2 = 16 भी तो लगाना पड़ेगा ना, 8 × 5 = 40 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको फाइनली आंसर दिखाऊं तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, फाइनली 2.025 आ जाएगा। क्या होगा आंसर, 2.025 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो। और अगर मैं रिमाइंडर की बात करूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, क्या आ रहा है रिमाइंडर, 2 आ रहा है, तो आप यहाँ पे रिमाइंडर भी लिख सकते हैं, रिमाइंडर 2 आया, बट उसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए 025 से हमें क्या करना पड़ा, आगे की और भी प्रोसेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब 18.3 को 6 से डिवाइड करो। ठीक है, 6 से डिवाइड कर लेते हैं, ये देखो कर दिया हमने, तो 6 × 3 = 18 आता है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, कैंसिल सॉर्ट हो जाएगा ये, अब आ जाएगा 3। ठीक है, 3 तो कटेगा नहीं, तो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो 6 × 5 = 30, अब तो कट गया है ना, तो ये 5 आ गया। अब हमें क्या करना है, 305 को पॉइंट में लगा देना है ना, तो पॉइंट में लगाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, 05 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.35 ये आंसर आया, और रिमाइंडर की बात करो तो रिमाइंडर 3 है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कर लेते हैं। 7 देखो 8.26 है, डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 × 2 = 6। ठीक है, तो 4 × 4 = 8 लगा दिया हमने। ठीक है, कैंसल्स, फिर हो गया 2, अब ये 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 हमने क्या उतार दिया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 6, राइट, 4 को पढ़ो, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 6 × 24 आ जाएगा, है ना, यानी ये हो जाएगा 6 × 24, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 तो आता है 4 के टेबल में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, फाइनली जो हमने देखा 20 आ गया, 2065 आ गया, क्या आ गया, 2065 आ गया। अब हमें इसे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 2.065 जो है ये हमारा क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8.26 को 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो आपको यही रिजल्ट आएगा, है ना। आप चाहो तो कैलकुलेटर से यूज करके भी देख सकते हो कि 2.065 आपका आंसर आ जाएगा। अब 8 में देखिए 31.3 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो मैं इस तरीके से पहले अरेंज कर लेता हूँ, है ना, आपको भी ऐसे ही करना है। इससे चलिए डिवाइड कीजिए, तो 6 × 5 = 30 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्लियर, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 × 2 = 5 × 2 = 10 आएगा, तो 10 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे हम 0 लेंगे, तो यहाँ पे भी हमें 0 लेना पड़ेगा, तो 5 6। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।